हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है KKCL। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डेट पे अभी तक ये शेयर आपका हाई गया है 276.80, लो गया है 245.60 एंड आज के डे पे अभी तक इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया लगभग 9.85% का और अभी इसका प्राइस चला है लगभग 268। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹1591.47 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹1470.31 करोड़ एंड पीई रेशियो है 19.49। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹46.44 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.11। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹167.60 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंपनी के पास इतना सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 46.44 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹13.35, रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.9% एंड ROCE है 21.1%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। ये जो कंपनी है केवल किरण क्लॉथिंग और KKCL, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 74.25%, पब्लिक का होल्डिंग है 18.08%, DII का होल्डिंग है 6.01% एंड FII का होल्डिंग है 1.66%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 74.25% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, मार्केट के 75% एनालिस्ट इस शेयर को आपका इन्वेस्टर को बाय सजेस्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने हर एक ईयर पे आपका अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 409.64% का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो देखिए, आज का डे पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा है एंड इसी कैंडल में आपका सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया है, जो कि आपका टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी यह शेयर आपका 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही टटकता हुआ दिख रहा है। RSI भी यहाँ पे देखिए आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर चला गया है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन ही दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को आपका दिसंबर महीने में एक आपका भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए कितना बड़ा गिरावट, लेकिन एक गिरावट किस लिए हुआ था, अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूंगा। दिसंबर महीने में 2021 दिसंबर महीने में इस शेयर ने आपका 4:1 रेशियो में बोनस शेयर दिया था, इसी वजह से गिरावट था। तो ये शेयर, ये जो गिरावट था, ये किसी भी नेगेटिव रीजन से गिरावट नहीं हुआ था, ठीक है। बोनस शेयर का जो एडजस्टमेंट हुआ था उसी वजह से ये शेयर आपका गिरा था। उसके बाद देखिए, यहाँ से ये शेयर फिर से आपका अभी अपटेन हो चुका है और अभी जो वीक चल रहा है इस वीक में भी यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। RSI की बात करूंगा तो देखिए, आपका RSI जिस टाइम पे ये शेयर आपका बोनस शेयर के वजह से गिरा था, उस टाइम पे RSI भी आपका 40 का जो लेवल है उसके नीचे चला गया था, क्योंकि बोनस शेयर के वजह से मार्केट, मतलब इसका जो प्राइस है बहुत ही गिर चुका था, ठीक है। लेकिन फिर से देखिए, अभी आपका RSI अपटेन हो चुका है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर चला गया है। मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन ही शो कर रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी जो शेयर का करंट प्राइस चला है लगभग आपका ₹275,
अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 30 से 40 दिन का भी है, तो मुझे जो लगता है कि आने वाले 30-40 दिन के अंदर ये शेयर आपका 300 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। और अगर एक बार ये शेयर आपका 300 के ऊपर सस्टेन कर गया तो आने वाले दिनों में ये शेयर आपका 400 का टारगेट भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।